नमस्कार, गोड्डा झारखंड न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को बताया है देश के चमकते सितारे। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को पीड़ा पर कही ये बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों को देश का चमकता सितारा बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों की स्थिति सबने देखी। तमाम प्रयास के बाद भी आज प्रवासी मजदूर भविष्य को लेकर संघर्षरत है। मिलजुल कर इस स्थिति में बदलाव आ सकेगा। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। साहिबगंज से बांग्लादेश के बीच चलेगा जहाज। बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के अधिकारियों और वहां के व्यवसायियों की टीम ने शुक्रवार को यहां निर्मित मल्टी मॉडल टर्मिनल का निरीक्षण किया। इसका नेतृत्व बांग्लादेश शिपिंग मंत्रालय के संयुक्त सचिव मोनेमुल हक कर रहे थे। अधिकारियों ने टर्मिनल के प्रशासनिक भवन में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के उप सचिव प्रशांत कुमार, साहिबगंज के ऑफिस इंचार्ज संजीव कुमार व IWAI कोलकाता के निदेशक LK रजक के साथ बैठक की और जहाजों के परिचालन पर चर्चा की। खबर है झारखंड के गोड्डा से। मशरूम उत्पादन के लिए गोड्डा का वातावरण अनुकूल। ग्रामीण किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए मशरूम उत्पादन कम लागत में अधिक मुनाफा का एक अच्छा व्यवसाय है। गोड्डा जिला ओयस्टर मशरूम के उत्पादन के लिए अनुकूल है। ओयस्टर मशरूम उत्पादन हेतु छप्पर नुमा कमरा, छायादार स्थान, लकड़ी, बांस या ईंटों के बने रेक की आवश्यकता होती है। उक्त बातें पादप सुरक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्यभूषण ने शुक्रवार को कृषि विज्ञान केंद्र गोड्डा के सभागार में निकरा परियोजना के अंतर्गत मशरूम उत्पादन तकनीकी विषयक 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कही। उन्होंने प्रगतिशील युवक युवतियों को बताया कि ओयस्टर मशरूम उत्पादन करने के लिए धान या गेहूं का पुआल, मशरूम स्पॉन, स्पेयर, ईंधन, पॉलीबैग, कैची, फफूंदी नाशक एवं कीटनाशक की आवश्यकता होती है। प्रगतिशील किसान फसलों एवं सब्जियों के साथ साथ घर में ही मशरूम उत्पादन आसानी से कर सकते हैं और मशरूम को नजदीकी बाजार में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। नीरज सिन्हा बने झारखंड के DGP, कहा देश विरोधियों को नहीं बख्शेंगे, क्राइम कंट्रोल पर फोकस। 1987 बैच के तेज तरार IPS अफसर नीरज सिन्हा को झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। वे अभी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में DG के पद पर तैनात हैं। पूर्णकालिक DGP के पदभार लेते ही प्रभारी DGP MV राव की छुट्टी हो गई। नीरज सिन्हा ने पदभार ग्रहण करते ही क्राइम कंट्रोल को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि देश विरोधियों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। झारखंड के 14 श्रमिक अब भी लापता हैं, 29 सुरक्षित पाए गए। 3 अफसरों को भेजा गया है चमोली। उत्तराखंड के चमोली हादसे में प्रभावित झारखंड के 29 लोगों का पता चल गया है, वे सुरक्षित हैं और झारखंड वापस आना चाहते हैं। वहीं 14 लोगों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्टेट कंट्रोल रूम को मिली जानकारी के अनुसार चमोली में काम कर रहे लोहरदगा के 9, रामगढ़ के गोला के 4 तथा बोकारो के पेटवार के 1 लोग का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उन्हें खोजने के लिए उत्तराखंड सरकार तथा वहां के जिला प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। इधर मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोहरदगा, रामगढ़ तथा लातेहार के श्रम अधीक्षकों को चमोली भेजा गया है। 3 जिलों के श्रम अधीक्षक वहां के जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने अपने जिले के फंसे लापता लोगों को ढूंढ कर उन्हें झारखंड वापस लाने का काम करेंगे। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। बरही पेट्रोल पंप लूट कांड के 2 अपराधी गिरफ्तार, जेल भेजे गए। लोहरदगा भंडारा मुख्य पथ पर सिन्हा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरही पेट्रोल पंप लूट कांड में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शुक्रवार को जेल भेज दिया। इन अपराधियों की पहचान जिले के कुडू थाना अंतर्गत जीमा चटकपुर गाँव निवासी भूलन साहू के पुत्र पंकज कुमार और कड़ाक गाँव निवासी विजय टापो का पुत्र रोहित टापो के रूप में की गई है। झारखंड में डिजिटल होगा रिम्स, डॉक्टर के सिस्टम में भेजी जाएगी मरीजों की जांच रिपोर्ट। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब जल्द ही डिजिटल होने वाला है। इसके बाद मरीजों को जांच रिपोर्ट के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, उनकी रिपोर्ट सीधे डॉक्टर के सिस्टम पर भेज दी जाएगी, जिसे देख वे मरीज का इलाज करेंगे। दरअसल रिम्स निदेशक की पहल पर यहां के ई हॉस्पिटल सेवा लागू होने वाली है, जिसके लागू होते ही अस्पताल सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाएगा, जिससे मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के समय की भी बचत और परेशानी भी कम होगी।
खबर है झारखंड के देवघर से। झारखंड को रेल मंत्री का बड़ा तोहफा, देवघर टू गोवा चलेगी ट्रेन। गुरुवार यानी 11 फरवरी 2021 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संताल परगना के लिए बड़ा तोहफा दिया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने रेल मंत्री से मिलकर गोवा से देवघर तक सीधी रेल सेवा चालू करने का प्रस्ताव दिया। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री ने मंजूरी दे दी है। मंत्रालय से बसंत पंचमी से पहले यानी 15 फरवरी तक देवघर से गोवा ट्रेन की अधिसूचना जारी हो जाएगी। झारखंड से गोवा तक जाने वाली यह पहली ट्रेन देवघर से खुलेगी। यह साप्ताहिक ट्रेन होगी। अभी झारखंड से गोवा के लिए एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। झारखंड के डीके तिवारी ने संभाली राज्य निर्वाचन आयोग की कमान। पदभार ग्रहण करते ही पंचायत चुनाव शीघ्र कराने के दिए हैं संकेत। झारखंड में नए निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गई। कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने वाले देवेंद्र कुमार तिवारी यानी डीके तिवारी ने राज्य निर्वाचन आयोग की कमान संभाली है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण करते ही डीके तिवारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, जिसके लिए राज्य सरकार से बातचीत कर जल्द ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू की जाएगी। पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त एन पांडे के जून 2020 में सेवाकाल समाप्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद खाली था। राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव भी समय से नहीं हो पाए। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 64 वर्ष की उम्र तक होता है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची से उड़ान भरने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान पर लगी रोक हटी, अब बढ़ेगी विमान सेवाएं। झारखंड के राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान पर राज्य सरकार की ओर से रोक हटा दी गई है। अब जल्द ही यहां से विमान सेवा में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में यहां से हर दिन औसतन 17 से 19 विमानों का परिचालन हो रहा है। पटना, रायपुर व भुवनेश्वर को छोड़कर सभी सेक्टरों में फिलहाल विमान सेवा शुरू हो गई है। इसके अलावा चेन्नई व अहमदाबाद सेक्टर में नई विमान सेवा शुरू हुई है। एयरपोर्ट के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली से समर शेड्यूल जारी होने के बाद बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कई अन्य जगहों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि रांची से पटना, रायपुर, भुवनेश्वर, पुणे, दरभंगा, वाराणसी सहित अन्य सेक्टरों के लिए विमान सेवा की मांग हो रही है। जल्द ही कई सेक्टरों के लिए विमान सेवा शुरू होने की संभावना है। कोरोना वायरस के झारखंड में 464 एक्टिव मरीज बचे, इनमें 232 रांची में ही, जबकि 4 जिले कोरोना से मुक्त हुए। कोरोना का प्रकोप झारखंड में हर दिन घटते जा रहा है। राज्य के 4 जिले गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ जहां कोरोना मुक्त हो चुके हैं, वहीं 12 जिलों में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 10 से नीचे पहुंच गया है। इनमें 9 जिले ऐसे हैं जहां 5 से भी कम एक्टिव मरीज बचे हैं। रांची में अभी भी कोरोना का खोप बरकरार है। राज्य भर में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेज रांची में है। राज्य के 23 जिलों में जितने एक्टिव मरीज बचे हैं उतना अकेले रांची से है। हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 11 फरवरी तक राज्य में कुल 464 एक्टिव मरीज बचे, इनमें से 232 अकेले रांची से थे। वहीं पर शुक्रवार को 45 मरीज मिले, जबकि 53 ठीक भी हुए। हेल्थ विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार सुबह 10 बजे तक झारखंड में 45 नए मरीज मिले, जबकि 53 मरीज ठीक भी हुए हैं। सबसे ज्यादा 29 मरीज रांची के ठीक हुए और 24 नए मरीज भी रांची से ही मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 10, धनबाद में 5, सिमडेगा में 2, लातेहार से 3, देवघर से 1 नए मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य भर में एक भी कोरोना मरीजों की मौत नहीं हुई है। झारखंड में लाख की खेती अब होगी फायदे की खेती। झारखंड में 12 जिलों के 5 लाख किसान करते हैं लाख की खेती। सीएम ने कृषि का दर्जा देने की घोषणा की। एमएसपी भी तय होगी। झारखंड में लाख की खेती अब फायदे की खेती होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने लाख को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किया जाएगा। इसका लाभ झारखंड के 12 जिलों के लगभग 5 लाख किसान परिवार को मिलेगा। रांची के नामकुम में स्थित भारतीय प्राकृतिक रावल व गोंद संस्थान के डायरेक्टर के शर्मा ने बताया कि झारखंड में लाख की खेती से कम 5 लाख किसान परिवार जुड़े हैं। इनकी कुल इनकम का 25% लाख की खेती से होती है। उन्होंने बताया कि इनके दाम में गिरावट होने से हर साल लगभग 10% किसान निराश होकर खेती छोड़ देते हैं। झारखंड से अरेस्ट हुआ मोबाइल चोर का सरगना। महाराष्ट्र की भिवड़ी से 400 आईफोन चोरी कर साहिबगंज पहुंचा था, बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में बेच दिया। झारखंड के साहिबगंज से शुक्रवार को मोबाइल चोर के सरगना को अरेस्ट किया गया है। इसे महाराष्ट्र पुलिस और झारखंड पुलिस संयुक्त अभियान चलाकर अरेस्ट की है।
साहिबगंज के प्यारपुर के रहने वाले आलम शेख नाम के इस अभियुक्त के पास से 2,05,000 रुपये भी बरामद किया गया है। दरअसल 14 दिसंबर को महाराष्ट्र के भिवड़ी के एक दुकान से आलम शेख अपने सहयोगियों के साथ 400 आईफोन मोबाइल चोरी कर साहिबगंज आ गया था। यहां इसने पश्चिम बंगाल से मालदा के रास्ते चोरी किए सभी मोबाइल को बांग्लादेश में भेज दिया। महाराष्ट्र पुलिस इसे ट्रेस करते हुए झारखंड पहुंची थी। साहिबगंज के एसपी अनुरंजन कसपोटा मोबाइल चोर के इस गिरोह को पकड़ने के लिए राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें महाराष्ट्र पुलिस को भी शामिल किया गया था। दोनों राज्य की टीम ने संयुक्त छापामारी कर आलम शेख को उसके गाँव राधानगर थाना क्षेत्र के प्यारपुर से गिरफ्तार की। खबर है झारखंड के खुट्टी से। खिलाड़ियों की खान है खुट्टी, मार्गदर्शन व सहयोग की आवश्यकता है, एसडीएम ने कहा। खुट्टी जिला खिलाड़ियों का खान है। जिस तरह हॉकी के क्षेत्र में खुट्टी ने अपना नाम विश्व पटल पर स्थापित किया है, उसी तरह क्रिकेट समेत अन्य खेलों में भी यहां के खिलाड़ी की पहचान विश्व स्तर पर हो सकती है। ये बातें खुट्टी के अनुमंडल पदाधिकारी हेमंत सती ने कही। वे शुक्रवार को खुट्टी जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित ए डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को उचित मार्गदर्शन और सहयोग देने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। क्रिकेट प्रेमी हेमंत सती प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के साथ खुट्टी क्रिकेट एकेडमी के खिलाड़ियों के रूप में प्रतियोगिता का पहला मैच भी खेले। खबर है झारखंड के चाईबासा से। शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर विधायक ने लेखा पदाधिकारी से की बात। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव उपेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि विधायक दीपक बिरवा से संघ ने जिला लेखा पदाधिकारी द्वारा सिस्टम वेतन निर्धारण में बचिंग का लाभ देकर किए गए वेतन निर्धारण को गलत बताने वाले पत्र को लेकर चर्चा की थी। इस विषय को विधायक ने गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को उपायुक्त अरवा राजकमल की मौजूदगी में लेखा पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त की, जिस पर उन्होंने शिक्षकों का वेतन रोकने की बात को रखा। तो उपायुक्त ने जिला लेखा पदाधिकारी को उस पत्र के हवाले से जिसके आधार पर वेतन बंचिंग कटौती करने का आदेश जिला से जारी हुआ है, उस पत्र की सत्यता की जांच वित्त विभाग रांची से एक सप्ताह के अंदर में कराने की बात कही। यह जानकारी विधायक ने फोन पर उन्हें दी है। उपेंद्र सिंह ने कहा कि बंचिंग का लाभ देकर पूरे राज्य में वेतन निर्धारण किया गया है। वित्त विभाग के जिस पत्र का हवाला देकर इसे गलत बताया जा रहा है, उसका प्रभाव समूचे झारखंड राज्य पर पड़ना चाहिए, न कि सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के शिक्षकों पर। उन्होंने कहा कि अगर पूरे राज्य में बचिंग का लाभ लेने वाले कर्मियों का कटौती कर वेतन निर्धारण का स्पष्ट आदेश वित्त विभाग का है और इसका अनुपालन राज्य के सभी जिलों में सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है तो हम शिक्षकों को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अगर सिर्फ पश्चिमी सिंहभूम के शिक्षक शिक्षकों को इसे थोपने का प्रयास किया जाएगा तो इसका पुरजोर विरोध होगा। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।